थिंग्स आर नेवर गोइंग टू चेंज फॉर अस, वी नीड टू चेंज देम। कभी भी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी। इंसानी जीवन में चीज़ें अगर इंसान के अनुरूप होने लग जाए, इसका मतलब हमारे जो कर्म है वो बहुत ही उच्च कोटि के रहे होंगे, तभी हमें ऐसा देवत्व प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सी कठिनाइयां हैं, बहुत से हिंड्रेंसेस है, बहुत सी परेशानियां हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं, और लगे कि हम सबसे दुखी हैं इस दुनिया में, सबसे ज़्यादा दुखी प्राणी हैं इस दुनिया में, इसका मतलब है आप एक इंसान ही हैं, आप एक प्राणी हैं जिसने इस धरती पे जन्म लिया है, और ये सारी चीज़ें होनी आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर का सीधा सा मतलब ये था कि अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब हम इंसान नहीं है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इसका मतलब वी आर लर्निंग अ लॉट। मैंने अपनी लाइफ में मेंटली बहुत सफ़र किया, बहुत सफ़र किया, और मेंटल सफरिंग क्या होती है वो केवल वही इंसान समझ सकता है जो कभी डिप्रेशन में गया हो, अंडर स्ट्रेस गया हो, ओवरलोडेड विद टेंशन्स रहा हो, और जिसको लगा हो कि लाइफ के सारे रास्ते बंद हैं। फिज़िकल सफरिंग भी उतना ही खतरनाक दर्जे का है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सफरिंग देता है आपको मेंटली आपका डिप्रेस्ड होना, जहाँ आपकी समझ ख़त्म हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, डिफरेंस वहाँ पता चलना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप इतना ओवरबर्डन्ड हो कि आप सबसे कटने लग जाते हो, या यूं कहें कि लोग आपसे कटने लग जाते हैं। आपके रिलेटिव्स आपके नहीं रहते, आपके पेरेंट्स आपके नहीं रहते, इवन इफ़ दे ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, यू कैन नॉट मेक देम अंडरस्टैंड द थिंग्स विच यू आर सफरिंग फ्रॉम। मेरे हिसाब से मेरी इस छोटी सी YouTube की फैमिली में आधे नहीं तो 1/4 पीपल ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इस मेंटल सफरिंग को सफर किया हो। यहाँ ये सारी बातें करना मुझे इसलिए भी ज़रूरी लगा क्योंकि देखिए, अगर महिलाओं में और पुरुषों में एक चीज़ जो बहुत डिफरेंट है वो ये है कि पुरुष अगर चाहता है तो वैसा करियर वो अपने लिए चुन लेता है, क्योंकि उसके ऊपर हालांकि हो सकता है कई तरह की अदर जो नेचुरल जो चीज़ें हो सकती है कि भाई कोई गरीब हो तो वो नहीं पढ़ पा रहा है, या बहुत मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है, या कोई और रीज़न रह जाते हो, तो उन चीज़ों को छोड़ के जो चीज़ें हमारे पे समाज के द्वारा और जो कुछ नेचुरल वे में हम पे लादी गई हैं, वहाँ ये अंतर आता है, डिफरेंस आता है कि पुरुष अगर चाहता है तो स्वतंत्रता के साथ चीज़ें वो अपने अकॉर्डिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि करियर। लेकिन उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो महिलाओं को अगर अपने करियर को चुनना पड़ रहा है और साथ में अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ रही है, तो वहाँ बहुत सी बड़ी एक द्वंद्वात्मक स्थिति क्रिएट हो जाती है। उन्हें यह नहीं समझ आ रहा होता है कि हम अपना परिवार संभालें या फिर अपने बच्चों को संभालें या अपने करियर को संभालें, और यह वाकई बहुत चुनौती भरा होता है कि अगर आपने शादी से पहले अगर आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं और अगर आपने जॉब हासिल नहीं की है, तो शादी के बाद दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। हालांकि मैंने अपने ही घर में या दूसरी जगहों पे आसपास ऐसी औरतों को भी देखा है जो पहले जॉब लग चुकी है लेकिन शादी के बाद उनको छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जिम्मेदारियाँ हज़ार तरह की दी गई है और हेल्प नाम मात्र भी नहीं होती है। कई बहनें मुझे अपने वीडियोस पे कमेंट्स करती हैं कि हम बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन क्योंकि चीज़ें ऐसी ऐसी है और इतने क्लेश हो रहे हैं, पारिवारिक लाइफ में हो भले ही चाहे कहीं भी हो, तो इतने क्लेश हो रहे हैं, इतने टोंट उन पे कसे जा रहे हैं कि वो चाहते हुए भी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, ऐसा है कि आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। औरत के सपोर्ट में कोई नहीं आएगा। मैं यहाँ कोई फेमिनिज्म में बिलीव नहीं कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो पहले भी ऐसा बनाया था तो उस पर कॉमेंट्स आए थे,
पर ऐसा नहीं है। देखिए, टाइम को मैनेज करना है, चीज़ों को मैनेज करना है, वो आपको ही करना है। नोबडी विल बी देयर टू हेल्प यू। और अगर आप ये सोचते हैं कि शादी के बाद ससुराल वाले ऐसा कर देंगे, तो मेरे हिसाब से 1 या 2% ससुराल वाले ऐसे होते होंगे जो बहुओं को हर तरीके की हेल्प देवे, ऐसा नहीं है। तो हार मानने की तो देखिए बात ही कहीं नहीं आती है। आपको जो करना है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लेवल पे करना है, और उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं। देखिए, मेरा पूरा दिन का आप शेड्यूल देखेंगे ना, तो उसमें चीज़ें बहुत सी डिफरेंट वे में और अलग अलग करती हूँ मैं ये ऐसा इसलिए भी करती हूँ क्योंकि बोरियत बहुत है घर ही घर में रह के, चूल्हे चौके ये सब करके हमें बोरियत भी बहुत आ जाती है। और मेरे लिए ये भी नहीं है कि जॉब बहुत ज़रूरी है, हस्बैंड अच्छा खासा कमा रहे हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, और मेरे लिए जॉब उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसको क्लियर करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ ताकि थोड़ा मूड भी चेंज रहे, थोड़ा हम चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस भी आता रहता है हमें, और हम खाली नहीं बैठते हैं, और अगर हम खाली नहीं बैठेंगे तो चीज़ें अन्यथा में नहीं जाएंगी। शाम के 5 बज गए हैं, ये भी आ गए हैं, और अब चाय वाय पियेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होएंगे। यूवी को मैं होमवर्क वगैरह करवाऊंगी, और इसी बीच आज हमने बनवाया था ट्रंक, मतलब जो बड़ी संदूक होती है, क्योंकि हमारे पास सामान इतना ज़्यादा हो गया है और वो हमने बड़े बड़े बैग्स में भर भर के रख रखा था, और हमने सोचा क्वार्टर चेंज करेंगे तब ले आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा वैसे देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है, पर वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सामान रखने के हिसाब से हमारे पास सामान ज़्यादा है और ये एरिया थोड़ा कम पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। लेकिन फिर एट लास्ट वी डिसाइडेड कि हमें लाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कपड़े ख़राब हो रहे थे, स्पेशली सर्दियों के कपड़े। तो फिर अभी आने वाले हैं, अभी गए हैं ये लाने के लिए, और इसी बीच में इसका होमवर्क वगैरह ख़त्म करवा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज का, हालांकि मेरा टारगेट 6 घंटे पढ़ाई करने का था, कल मैंने उसको अचीव भी किया था, लेकिन आज फिर एक थोड़ी दिक्कत आएगी कि वो जैसे ही ट्रंक आ जाएगा उसमें थोड़ा मुझे सामान भी लोड करना पड़ेगा, उसमें सारा सामान शिफ्ट करना पड़ेगा, तो साइड में जो एक स्टोर जैसा बना हुआ है वहाँ से थोड़ा एरिया निकल आएगा, तो वहाँ भी मैं सर्दियों में अब पढ़ना स्टार्ट कर सकती हूँ। मुझे एक जगह बैठ के पढ़ने में थोड़ा सा रुचि कम रहती है, परिवर्तन चाहती हूँ मैं हर जगह, तो ऐसा ही है, अलग अलग जगहों पे बैठ के अगर मैं पढ़ती हूँ तो चीज़ें मेरे लिए भी थोड़ा वैरायटी वाली हो जाती है और थोड़ा माइंड अलग हो जाता है। और ये लोग आ गए हैं अब, और ये संदूक भी आ गई है, देखिए गोदरेज की बनवाई थी, अच्छी थी, 11,000 रुपये लगे हैं इसके, लेकिन बहुत सुंदर लगी मुझे। हमारे पास एलमिरा है, वो डार्क कॉफ़ी कलर में है, तो सेम ही कलर इस पर करवाया है कि इन फ्यूचर जब हमारा खुद का घर होगा तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज की हुई होंगी, तो एक जैसी होती है तो सुंदर लगती है। अब मुझे इस पर काम शुरू करना है और लग जाना है, और मुझे पता है आज बहुत थकाऊ दिन होने वाला है, ये आगे का जो समय है वो बहुत थकाऊ होने वाला है, और बहुत काम मुझे करना पड़ेगा, और बेड में से भी ये सारे कपड़े निकालने हैं जो गर्म कपड़े हैं, और इधर जो साइड में आपको जगह दिख रही है जहाँ पे कर्टन्स लगे हैं, तो ये पूरा एक स्टोर जैसा है, खाली है, बस सामान से भरा पड़ा है, और उसमें मैं सफाई भी 1-1.5 महीने से ओकेजनली कर पाऊँगी, क्योंकि इतना सामान भीड़ भड़ाके वाला है कि चीज़ें हो नहीं पाती है। और इसी बीच में खाना वगैरह और किचन साफ़ करके सारा ये काम ख़त्म करके फिर वापस उस काम में लगूंगी। खाना बनाया हुआ होगा तो फिर आगे मेरे कोई और काम नहीं रहेंगे केवल पढ़ाई के अलावा। इसी बीच अंकल भी आ गए और देवर भी उनको लेके आया है साथ में, क्योंकि उनका अभी ऑपरेशन हुआ था 20-21 दिन पहले,
तो उनको लाने ले जाने के लिए कोई ना कोई साथ में रहता है उनके। तो चलिए मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और अच्छी बातों के साथ, कुछ और अच्छे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के साथ। अगर मेरे वीडियोज़ आपको थोड़े बहुत भी यूज़फुल लगते हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं लगते हैं तो आप डिसलाइक का भी ऑप्शन है वहाँ पे, वो भी कर सकते हैं। एनीवे मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, बाय।